हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, सूचनाएं मिलती रहती हैं और आना जाना पड़ता है। जीवन जब से मिला है, मौत तब से पीछा कर रही है। तो ऐसे में जहाँ पर इंसान रहता है, वहीं पर हमेशा अनाज और अनाज खाने के लिए चूहा, चूहा को खाने के लिए सांप, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं कि सांप कौन सा है। तो नज़रें जमाए रखिए, क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए प्लीज़ कम ऑन। हटिया दोस्तों, देख सकते हैं, छोटा सा परिवार यहाँ रहता है और छोटी सी कृषिका है, उसी के बीच में ये सांप हमेशा आए दिन हमारे घर में आते रहते हैं। तो दोस्तों, जौनपुर जिले के बगल में ये हरिहरपुर एक गांव है, है ना सर? डबल हो गया क्या सर? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, जौनपुर जिले के जस्ट बगल में एक हरिहरपुर गाँव है ये, है ना सर? जौनपुर से कितनी दूर है सर? पूर्वांचल बगल में, पूर्वांचल के जस्ट बगल में मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों, ये बिग साइज का इंडियन स्पेक्टेकल्ड कोबरा है। इसकी बाइटने पर कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है, जैसे इलाज नहीं हुआ तो। बाहर निकले, उधर देख लीजिए उस तरफ, बाहर निकला, थोड़ा शांति ऐसा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, जब भी ऐसा सांप अगर दिखाई देता है तो उसे मारे ना, क्योंकि ये बेजुबान है, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो ये आपके साथ खतरा कर सकता है दोस्तों। तो इसके काटने पर सीधा इंसान को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। हालांकि जब भी ये घर में घुसता है तो चूहा पकड़ने के लिए, और जब भी इसके साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तभी जाकर ये किसी को काटता है, ये तब जाकर ये गुस्से में होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, ये स्थितियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इसके छेड़छाड़ करने पे, चोकचाक करने पे तब जाकर कि क्रोधित होता है, इसके बाद ये किसी को बाइट करता है। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी को इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टेकल्ड कोबरा और इसी को नाग, इसी को फिटार हमारे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं। बिहार की तरफ इसको गेहूं के नाम से जानते हैं और काफ़ी बिग साइज का है दोस्तों, एकदम खाया पिया हुआ लग रहा है घर से। तो चलिए इसे हम बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, तो दोस्तों इसको देख करके ऐसा लगता है काफी खाया पिया है ये। देख लो, बाहर चले जाइए भैया, थोड़ा सा टच करा हो सर के, अरे कुछ हो, अरे मार मार मार, हाँ उसको जरा टच करिए, उसके खाली उधर मुंह पे खुआ वाला कर। अच्छा, जैसे ये उधर से जाना चाहते हैं तब जा, आप उधर चलिए, रिवाज चलिए पीछे की तरफ, ये आप जाएं ही जबरदस्त है यार, बोलिए ना भैया भैया। भाई भाई लगी बगल, इसको बगल हटाओ, उससे नहीं यार, नहीं नहीं कुछ नहीं करना, पकड़त रहा करी और किरवा जाते ना रहा, मतलब देख के भागत रहा, पता नहीं हल्का था उठा तरह मारा जी मुंह मकरे नहीं घाव लग गई खाई छुआ। थोड़ा सा अरे हट जाओ यार, मेरी रिटर्न हो गया, कितना मोटा है भाई, तो भारी यार। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये हमेशा चूहा खाने के चक्कर में
छत के ऊंचाई स्थान पे जाकर के ही छिपता रहता है। तो दोस्तों इस समय ये काफ़ी गुस्से में है, जब भी इसके साथ छेड़छाड़ होता है तभी जाकर के किसी को बाइट करता है, ये अन्यथा नहीं कर सकता है। हाँ बोलू पकड़ी पकड़ी तुम पकड़ी कोई कपड़ा लाइए बांधने के लिए। शांति बनाई शांति शांत रहे, एक मिनट शांत रही, बस आइए तुरंत लाइए तुरंत लाइए चलिए 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 दोस्तों इसे हम डिब्बे में पैक करते हैं और इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा, ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। तो इसे डिब्बे में पैक कर लिया, इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती नहीं कीजिएगा और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों जैसा कि आप देखे हैं हमें सांप ने बाइट किया है और हम निकल पड़े हैं अपने हॉस्पिटल की तरफ और चलते हैं आपको दिखाते हैं किस तरीके से इलाज होता है। बस धैर्य रखें, कोई दिक्कत है नहीं, नजरें जमा रखिएगा, चलते हैं। थैंक यू दोस्तों। Thank you.